so in previous part we will discuss, uh, we were discussing about uh, variations in embedded system and uh, we have discussed about uh, their uh, development cost and their designing cost now expected lifetime hota kya hai कुछ आपके uh, embedded system इसी साफ़ से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनका expected lifetime बहुत छोटा होता, होता है बहुत short period होता है कुछ का होता है कि उनका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम जो है वो बहुत लॉन्ग पीरियड का होता है मीन्स समटाइम्स इट इज़ इन टू ईयर्स थ्री ईयर्स फोर ईयर्स एंड समाइम्स इट इज़ फॉर टू मंथ्स थ्री मंथ्स फोर मंथ्स लाइक दैट ठीक है जैसे अगर आप फ्रिज uh, या ए सी के लिए uh, जो है कूलिंग सिस्टम के कंट्रोल की बात करें तो इट इज़ नॉट फॉर वन डे टू डे और वन मंथ इट शुड बी फॉर द लाइफ टाइम ऑफ़ दैट डिवाइस ठीक है जैसे पाँच साल दस साल पंद्रह साल जो भी आपकी कंपनी वारंटी करती हो सो so, उस हिसाब से आ, इसका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम होना चाहिए नाउ कम्स रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी क्या होता है रिलायबिलिटी इज़ बेसिकली कि प्रोडक्ट अगर आपका बन गया इसके बाद ये प्रोडक्ट आपका जो है कितना रिलायबल uh, रिस्पॉन्स uh, करेगा मीन्स एट हाउ एक्यूरेट द प्रोडक्ट विल बी ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल uh, बच्चों का एक खिलौना है ठीक है तो इसको हम ये एज्यूम करके नहीं चलते कि ये दस साल पंद्रह साल चले ठीक है बट यही अगर हम uh, किसी स्पेस शटल या किसी कार के कंट्रोल की बात करें तो वहाँ पे हम ये ज़रूर रज्यूम करते हैं कि इट शुड बी एक्यूरेट एंड इट शुड बी फास्ट इनफ ठीक है जहाँ पे हम आ, अगर सपोज आपके एक्यूरेसी से टॉलरेट कर सकते हैं वहाँ तो कोई बात नहीं है बट जहाँ पे एक्यूरेसी से टॉलरेट करना डिफ़िकल्ट होता है वहाँ इट शुड बी रिलायबल एंड इट शुड बी एक्यूरेट इनफ ना

ठीक है इसके अलावा हम फ्लेक्सिबल रीप्रोग्रामेबल डिवाइसेस यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल अगर हमें रोम यूज़ करनी है तो आई प्रेफर टू गो फॉर इलेक्ट्रिकली रिजबल प्रोग्रामेबल रोम इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ स्पेसिफिक रोम ओनली ठीक है इसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन मॉडल जो है हमारा ऐसा होना चाहिए कि आवर सॉफ्टवेयर शुड बी कम्पेटेबल विद द हार्डवेयर एंड हार्डवेयर शुड बी कम्पेटेबल विद द सॉफ्टवेयर ऑल्सो सिस्टम हमारा जितना छोटा हो उतना ज़्यादा अच्छा हो दैट्स वाई सिस्टम ऑन अ चिप इज़ द बेस्ट थिंग बट इफ इट इज़ सपोज सम वॉट लार्जर ऑल्सो इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल ना एम्बेर सिस्टम डिजाइन वर्ल्ड की अगर बात करें तो एम्बेड सिस्टम डिज़ाइन में होता क्या है कि किसी भी तरीके के टास्क uh, को हम टारगेट करते हैं कि ये काम करना है इस काम को करने के लिए हम कंप्यूटिंग में कैसे वर्कआउट uh, करते हैं उसके बाद उसको हम किसी मशीनरी के हेल्प से कैसे करा सकते हैं विट वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग ना किसी भी एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम uh, इसका जो है डिफाइन uh, करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा ठीक है देर कैन बी मल्टीपल ऑब्जेक्टिवस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज़ टाइमलीनेस स्केलेबिलिटी देन वी रिक्वायर सिक्योरिटी समटाइम्स वी रिक्वायर सेफ्टी ऑल्सो वी हैव टू वर्क ऑन सेफ्टी बिकॉज हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा डिवाइस बनने वाला है इसको बहुत ज़्यादा केयर नहीं किया जाएगा इट शुड बी अफोर्डेबल एंड इट शुड बी बेसिकली डिपेंड इट हैज़ टू बी डिपेंडेबिलिटी ऑन द रूल्स ऑफ द मशीन दैट वी आर क्रिएटिंग इट फॉर ठीक है जैसे आप अगर वॉशिंग मशीन का कंट्रोलर बना रहे हैं तो उसका वॉशिंग मशीन के इनपुट्स पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए ठीक है इट शुड बी अ डिवाइस दैट कन बी यूज फॉर मल्टी डिसिप्लिन लाइक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर्स इसके पास सॉफ्टवेयर्स भी होने चाहिए इसके पास मैकेल हार्डवेयर्स हो सकते हैं इसके अलावा इसके पास जो है कंट्रोल एल्गो अर्थम्स हो सकती हैं इसके अलावा इसमें ह्यूमन इनपुट का भी ऑप्शन हो सकता है ठीक है एंड हो सकता है कि इन सम केसेस यू रिक्वायर सोसाइटी इंस्टीट्यूशन एंड सम काइंड ऑफ अपडेट्स ऑल्सो

तो इसका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट uh, होता है डेटा एकवाइजेशन एंड प्रोसेसिंग डेटा एकवाइजेशन क्या होता है कि कहाँ कहाँ से हमको इनपुट मिलने हैं और प्रोसेसिंग कि उस डेटा का करना क्या है ठीक है इनपुट्स के लिए हम डिफरेंट टाइप के ट्रांसड्यूसर्स डिफरेंट टाइप के सेंसर्स इस्तेमाल करते हैं और uh, क्योंकि कंप्यूटिंग सिस्टम हमारा डिजिटल है तो वी रिक्वायर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स ऑल्सो इसके बाद ऑक्सिलरी यूनिट्स ऑक्सिलरी यूनिट्स आपके uh, कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि एडिशनल इनपुट्स एंड कुछ uh, आपके स्पेशल सिग्नल्स जनरेट करते हैं फॉर एग्जांपल टाइमर इज़ देयर दैट इज़ वन यूनिट देयर कैन बी मेमोरी सिस्टम देयर कैन बी सम काइंड ऑफ़ परमानेंट स्टोरेज ठीक है देयर कैन बी सम काइंड ऑफ़ प्रिंटिंग सिस्टम ऑल्सो इसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली होता है कि आप uh, ने जो डेटा एक्जिशन किया जो आपने इंफॉर्मेशन uh, कलेक्ट की आप उसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे डिफरेंट सब सिस्टम्स के बीच में uh, इसको आप कम्युनिकेशन सिस्टम के हेल्प से हैंडल uh, करते हैं ठीक है इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है सिस्टम लॉजिक एंड कंट्रोल एल्गोरिथम दट वॉट इज़ द वे ऑफ कंट्रोलिंग द डिवाइसिस किस कंडी uh, किस कंडीशन में कौन सा डिवाइस ऑन होना चाहिए कौन सा ऑफ़ होना चाहिए एंड वट विल बी द प्रोसीजर कि अगर सपोज uh, मुझे सपोज कूलर uh, को बंद करना है तो कूलर को बंद करने में, में मेरा पहला प्रोसेस क्या होगा कि मैं पम्प बंद करूँगा सबसे पहले ठीक है आफ्टर सम टाइम जबकि मुझे लगता है कि इतनी देर के अंदर uh, आपका uh, जो कूलर की घास है वो सूख गई होगी ठीक है सो so, उसके बाद हम फैन बंद करते हैं वी डायरेक्टली डोंट क्लोज द फैन एंड पम्प टुगेदर इफ़ वी डू सो वट है मॉइस्चर रह जाता है आपके कूलर के uh, उस पर कूलिंग सेक्शन पे, और उसकी वजह से लेटर ऑन वो स्मेल करने लग जाता है नाउ देर इज़ वन टास्क फॉर यू you have to uh, find out the different components of a real time system and secondly uh, you have to find out different uh, constraints uh, in embedded system that's all for now thank you